क्या है अगर मियां साहब खान साहब की तकरीर टीवी पे सुन लें तो उनके प्लेटलेट्स मजीद गिर जाते हैं। ये बात ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनम जावेद खान और आप देख रहे हैं आफ्टर शॉक्स। अर्ज किया है, डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में पानी। हमारे साथ मौजूद है सर्जरियों वाली नानी। क्यों, सही कहा ना? देखा फिर कितना कमाल का तारुफ करवाया है मैंने आपका। बहुत शुक्रिया। आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, आपने बताना है ये क्या चीज है। प्रोड्यूसर साहब जरा फुल स्क्रीन तस्वीर तो दिखाएं। जी तस्वीर आपने देख ली, अब बताइए ये क्या है। मियाँ साहब का ये वतन है। वाकई सारा पैसा तो वहीं लेकर गए हैं। अच्छा अब मैं आपको कुछ कार्ड दिखाती हूँ, आपने बताना है कि उन पर क्या लिखा है। जी प्रोड्यूसर साहब जरा इनको कार्ड दिखाइए पहला। जी तो बताएं क्या लिखा है। नवाज शरीफ का नाम लिखा है। मुझसे कोई पूछता तो मैं भी यही कहती। आप नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, इस बात से नवाज शरीफ की अपनी जात को कितना नुकसान पहुंचा? मैं समझती हूँ कि नवाज शरीफ साहब की जात से ज्यादा इसका नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा। अच्छा नून लीग की हुकूमत का कैसे पता चलता है कि मुल्क में नून लीग की हुकूमत है? मुल्क जब तबाही की तरफ जाने लगता है, मईशत हचकोले खाने लगती है, सियासत खराब हो जाती है, मुल्की हालात खराब हो जाते हैं। लेकिन इस बार मुल्क की हालत हद से ज्यादा खराब है, महंगाई नॉनस्टॉप बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? बात यह है कि अभी पीडीएम की हुकूमत है जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है। आपके कहने का मतलब है ज्यादा पार्टियों की हुकूमत है इसीलिए महंगाई भी ज्यादा हो रही है, करप्शन भी ज्यादा हो रही है और मुल्क को 13 गुना नुकसान भी ज्यादा हो रहा है। करप्शन और महंगाई का तो कोई हिसाब ही नहीं है। इन हालात में आप बेचारी पाकिस्तानी आवाम को कहाँ देखती हैं? अपनी मौत से कुछ ही महीने दूर हैं। अल्लाह खैर करे। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ एक बेहतर वजीर आजम है? बिल्कुल ऐसा नहीं। अच्छा डार साहब के आने से डॉलर का रेट आसमानों से भी ऊपर चला गया है, इस पर आप क्या कहेंगी? ये तो क्रेडिट की बात है, ये कोई बुरी बात तो नहीं, इसका तो इल्ज़ाम तो नहीं देना चाहिए, इस पे तो शाबाश मिलनी चाहिए उनको। चले सुना है अगर मियाँ साहब खान साहब की तकरीर टीवी पे सुन ले तो उनके प्लेटलेट्स मजीद गिर जाते हैं। ये बात ठीक है। अच्छा मैंने कहीं से सुना है कि शादी से पहले आपको भागने की बहुत आदत थी, इसीलिए आपके घर वाले तंग आकर आपको कमरे में ताला लगा कर बंद कर दिया करते थे। सुबह 7 बजे मेरा ताला वो खोलते थे। जब कैप्टन सफदर से आपकी शादी हुई तो सबने आपको क्या कहा? बीबी हौसला करें, बीबी हौसला करें। और अब सब कैप्टन सफदर को कहते होंगे भाई साहब जरा हौसला रखो। मैंने सुना है कुछ दिन पहले कैप्टन सफदर साहब का जो बयान बहुत वायरल हुआ है उस पर आपने सफदर साहब की फ्राई पैन से बड़े अच्छे तरीके से खिदमत की है, भला वो कैसे? उस फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख के गरम करके। क्या गरम करके? अच्छा मैंने सुना है मियाँ साहब एक दफा लंदन में गुम भी हो गए थे तो फिर क्या हुआ? तो मैं आवाजें देती रही पूरा दिन। करप्शन को इज्जत दो क्या है? कल भी हमारा नारा था हर सियासी जमात को होना चाहिए, आज भी हमारा नारा है और कल भी हमारा यही नारा होगा। क्या बात है, आज तो सीधा सच ही बोल दिया है आपने। अच्छा ये बताएं कौम को लूटना आप कब बंद करेंगे? पहले तो ये सवाल हम पे लागू नहीं होता। लागू नहीं होता? अच्छा चलें ठीक है, अगला सवाल सर्जरी पर है। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। सवाल तो अभी मैंने किया ही नहीं। अच्छा ये बताएं जब आप अपने चेहरे की डेंटिंग वेंटिंग मेरा मतलब है सर्जरी कराने जाती हैं तो डॉक्टर्स तो करोड़ों रुपए मांगते हो। करोड़ों में नहीं अरबों में मांगते। अरबों? तौबा तौबा। इसी के साथ मुझे और टीम आफ्टर शॉक्स को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। कैमरा बंद कर दीजिए। अच्छा ऑफ द रिकॉर्ड आपसे पूछना चाहती हूँ, वैसे लोग सोचते तो होंगे आप अभी तक इतनी जवान कैसे दिखती हैं? लेकिन लोग बेवकूफ तो नहीं है ना?